नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एजुकेट टारगेट में। आज हम लेकर आए हैं आरआरबी जेई 2018 की जो आज की जो 31 मई 2019 की जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपके जीके जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड में पूछे गए हैं उनका पूरा एनालिसिस विद क्वेश्चंस पूरा डिटेल के अंदर अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इसी तरीके के और भी बेहतरीन वीडियो आपके पास में मिल सके। और जल्द ही हम आरआरबी जेई की सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेस जल्द ही शुरू करने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं आरआरबी जेई 2018 की 31 मई 2019 की थर्ड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस के। तो जिनका भी अभी तक एग्ज़ाम हो चुका है तो वो अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं, और जिनका अभी तक नहीं हुआ है तो वो इससे पढ़ करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स स्टार्टेड इन द इंडिया विच ईयर, मतलब कौन से ईयर में एशियन गेम्स इंडिया में स्टार्ट हुए थे। तो वो हुए थे 1951 में। कहाँ पर हुए थे? न्यू दिल्ली में हुए थे फ्रेंड्स। ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कहाँ पर हुए थे पहले एशियन गेम्स, तो वो हुए थे न्यू दिल्ली में। कब हुए थे? 1951 में। इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड एशियन गेम्स पहली बार न्यू दिल्ली में 1951 में ही हुए थे। और एक क्वेश्चन आया था, सिलेंड्रिकल शेप्ड शर्ट फोल्डेड डांस, यानी कि कोई वेशभूषा से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि सिलेंड्रिकल शेप की कोई कुर्ता या फिर शर्ट होती है वो कौन से डांस के अंदर पहनी जाती है। तो वो उसका जो सही आंसर था वो था कथक डांस, यानी डांस से रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे। इस वाले पेपर में भी 2 क्वेश्चन थे डांस से रिगार्डिंग। भोपाल गैस ट्रेजडी इन विच ईयर, भोपाल गैस जो ट्रेजडी हुई थी भोपाल के अंदर वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1984। कई बार ये इसका इसकी जगह गैस पूछ ली जाती है, तो वो साइनाइड गैस के कारण हुई थी। केमिकल फैक्ट्री थी, फर्टिलाइजिंग फैक्ट्री थी। ठीक है फ्रेंड्स, पीएच वैल्यू ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। पीएच से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं हर पेपर में, तो डेफिनेटली जिनका अभी पेपर नहीं है तो वो पीएच जरूर पढ़ के जाइएगा। पीएच वैल्यू ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की कितनी पीएच है? तो वो होती है 14। मैक्सिमम जो पीएच होती है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की होती है। इसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की होती है 9.5। ओके फ्रेंड्स, सबसे कम जो होती है वो आपको पता हो तो क्या बोलते हैं, जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि HCl की कितनी होती है, HCl की 1.5 होती है, एसिडिक में आ जाता है। ओके, ब्लड की कितनी होती है? 7.4 होती है। विनेगर की कितनी होती है? 3 होती है। एंड देन आफ्टर इससे आपसे पूछा जा सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे हैं। लेमन की कितनी होती है? लेमन की 2.5 होती है। ऑरेंज की 2.35 के समथिंग, मतलब 2.5 के अप्रॉक्सी होती है। आपकी विनेगर की 3 होती है। कॉफ़ी की कितनी होती है? कॉफ़ी की 5 होती है। इस टाइप से आपके एंड अल्कोहल की कितनी होती है? अल्कोहल की 2.8 होती है। इस टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है। फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप विनर कंट्री कौन सी थी? तो वो थी इंडिया। ECG की फुल फॉर्म पिछले बार पेपर वाले में पूछी जा चुकी है कि ECG की फुल फॉर्म क्या थी, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है। ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है कि ये किस चीज़ में काम आती है, तो ये हार्ट के अंदर काम आती है, हार्ट की बीप्स काउंट करने के काम में आती है। ये क्वेश्चन ये भी इससे रिगार्डिंग आ चुका है कि ECG कौन सी एनर्जी को में कन्वर्ट कर देती है, तो ये साउंड एनर्जी को ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो ये अब आज के जो पेपर था उसके अंदर आया था कि ये कौन से वेव पे प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है, जो अल्ट्रासोनिक वेव पे डिपेंड करती है ECG। कौन इसका सही आंसर था? अल्ट्रासोनिक वेव्स। एक पूछा था आपसे ओर का नाम दे रखा था, कैलराइट ऐसे कुछ करके था, कैलराइट करके था कि ये ओर किसका है, तो उसका जो सही आंसर है वो है गोल्ड। मेरे को अभी एग्जैक्ट नेम याद नहीं आ रहा, ओर का नाम दे रखा था और आपसे पूछ रखा था कि ये किस चीज़ का ओर है, तो वो गोल्ड का ओर था। एक्टेनियम के बाद 14th ग्रुप एलिमेंट, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, तो वो कौन से का था? उसका सही आंसर था एक्टेनॉइड्स होगा जहाँ तक अंदाजा है। सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तो 281 होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछ रखी थी, तो उसकी 287 होती है। रग्बी वर्ल्ड कप 2018 कहाँ पर खेला गया है, किसने जीता है अभी हाल फिलहाल, है ना? नहीं, कहाँ पर खेला गया है 2018 कहाँ पर खेला गया है ये पूछा था, तो वो न्यूजीलैंड में खेला गया है। एक क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से था, 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा। इसके कुछ ऑप्शंस थे, मेरे को पता नहीं है कौन से ऑप्शंस थे, इतना ही क्वेश्चन आया मेरे पास में। हुज रेजिस्टिविटी इज इनफाइनेटली हाई,
इनफाइनेटली हाई रेजिस्टिविटी किसकी होती है, तो वो होती है इंसुलेटर। इसमें ऑप्शन इस टाइप से थे, कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर, इस टाइप से थे। तो उसके सबसे ज़्यादा हाई यानी इनफाइनाइट रेजिस्टिविटी किसकी होती है, इंसुलेटर, यानी कि वो कुछ भी करंट पास नहीं करेगा उसके अंदर से। हाउ मच यूनिट कंज्यूम्ड बाय 2 kW बल्ब वैन रन 3 आवर इन अ डे, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन था कि अगर 2 kW का कोई बल्ब है और 3 घंटे एक दिन में अगर चल रहा है तो कितना यूनिट वो डिस्चार्ज मतलब खींचेगा। तो वो 2 × 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो आप 6 यूनिट आ जाता। अगर आपको इसमें अगर इसमें पर यूनिट का चार्ज भी लिख रखा है तो 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए पर यूनिट चार्ज, तो डेफिनेटली आपके अमाउंट भी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, एक क्वेश्चन ये था। तो कौन सा इसमें से डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, आपको पता होगा माउथ, माउथ में बकल कैविटी होता है, वहाँ से अपना डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। देन अपने माउथ के अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। फाइनली प्रोटीन जो है वो स्टमक से स्टार्ट होता है, देन लीवर में कंप्लीट होता है डाइजेशन, लीवर नहीं अपने इंस्टेंट टाइम में जा करके कंप्लीट होता है डाइजेशन, और हार्ट जो है डाइजेशन का पार्ट नहीं है। ओके, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स दे रखी थी आपको 243 समथिंग कुछ किलोमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड करके, और उसमें आपका इको दे रखा था 0.1 सेकंड। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव फ्रॉम सोर्स टू रिफ्लेक्टर एंड देन रिफ्लेक्टर से अगेन सोर्स तक पहुंचने में आपको कितना मतलब वेव को साउंड को ट्रेवल करना पड़ा डिस्टेंस, तो वो आपसे पूछ रखा था। तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर देते। इको होता क्या, इको मैं बता देता हूँ आपको। इको जो होता है वो होता है अपना टाइम, मतलब इको इको क्या होता है, एक अपन मतलब आपने जब कभी भी हिल स्टेशंस पे गए होंगे तो आपने जब चिल्ला के बोला होगा तो रिफ्लेक्ट होकर के आवाज़ वापस आपके पास में आई होगी, तो वो कितने टाइम कंज्यूम करने के बाद में आपके पास में आ रही है रिफ्लेक्ट होकर के, उसको अपन बोलते हैं इको साउंड। ओके, तो आप टू स्पीड को अगर डायरेक्टली टाइम से मल्टीप्लाई कर देते तो आपके पास में डिस्टेंस आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे, सोनार इज़ यूज्ड फॉर, कुछ इसके ऑप्शंस थे, आई डोंट नो अबाउट इट। सोनार मैं आपको बता देता हूँ, सोनार जो होती है वो हाइड्रो मतलब के अंडरग्राउंड वाटर्स के अंदर डेप्थ फाइंड आउट करने पे मेजर मतलब फाइंड आउट करने के लिए काम में ली जाती है मेजरली। तो ओके, और आप पता लगा लीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से क्या था। कॉनकेव लेंस इन बिटवीन इन्फाइनाइट टू ऑप्टिकल सेंटर, कॉनकेव लेंस की जो इमेज है वो इन्फाइनाइट से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। देन ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी, कॉनकेव लेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फाइनाइट से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी और कैसी बनेगी, ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। तो इसके बारे में बता देता हूँ, आप ऑप्शन में मैच कर लीजिएगा। वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है एंड स्मॉल साइज की होती है। इफ है, और जिसको भी वीडियो पसंद आ रहा हो वो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर सकें और एक हमें भी मोटिवेशन मिल सके आपके लिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करने के लिए। 19th क्वेश्चन है, इफ़ ए फेसिंग नॉर्थ, अगर कोई एक ए नाम का कोई बंदा है वो नॉर्थ साइड में फेस करके खड़ा है, उसने अपना टर्न रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज। ओके फ्रेंड्स, इसमें आप देखिएगा एंटी क्लॉकवाइज, मैं आपको डायग्राम के साथ में समझा देता हूँ। कोई स्टूडेंट है मान ली नॉर्थ साइड में, इस साइड में आपका फेस करके खड़ा है, अब उसने एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस डायरेक्शन में उसने रोटेट किया और कितना 135 डिग्री घूम गया, यानी कि ये कितना एंगल हो गया, ये टोटल हो गया 135 डिग्री रोटेट किया। देन आफ्टर वो क्लॉकवाइज घूमा और 180 डिग्री घूमा, कितना घूमा, 180 डिग्री घूमा, तो अगेन वो कहाँ पर आ गया, अगेन वो कहाँ पर आ गया, इस वाली फेस में आ गया। तो अब से वो अब वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो फेस है वो कौन से डायरेक्शन में है, तो डेफिनेटली इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा नॉर्थ ईस्ट साइड में फेस करके खड़ा है पर्सन, तो ये आपका करेक्ट आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट से दो क्वेश्चन आ रखे थे आपके, एक थोड़ा टिपिकल था एक इजी था, मतलब टिपिकल एक भी नहीं था, एक थोड़ा लेंदी था एक आसानी से आप कर सकते थे। एक दो क्वेश्चन दो से तीन क्वेश्चन आ रखे थे SI एंड CI बेस्ड पे। एक मेजरमेंट ऑफ एरिया, एरिया का मतलब पाथ का एरिया मेजरमेंट करना था, इसमें आपको जो दे रखा था 2 मीटर की विड्थ दे रखी थी पाथ की, एक साइड से 18 मीटर आपको दे रखा था, दूसरी साइड से शायद पता नहीं कितना दे रखा था, आई डोंट नो 70 मान लेते हैं ना। तो आपको करना क्या था, अब आपको करना था ये जो 18 दे रखा है इस 18 में से दोनों साइड से 2 2 आप माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया 14 इंटू, इसमें आपका आंसर आ जाता 14 इंटू 2 प्लस का 70, मान लीजिए ये 70 है, 70 ये मान लीजिए 70 है अगर, तो 70 इंटू 2, तो आपका जो फाइनल आंसर वो आपका निकल के आ जाता है इससे। ओके फ्रेंड्स,
एक फिगर काउंटिंग मतलब कि स्क्वायर फिगर दे रखा था, उसमें स्क्वायर्स आपको काउंट करने थे, तो वो जिनको भी वो फॉर्मूला आपको आता होगा तो वो डेफिनेटली उन्होंने कर दिया होगा। सीरीज़ के क्वेश्चन थे 4 से 5, आसान क्वेश्चन थे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, इजीली आप उनको कर सकते थे। एक सीरीज़ या दो सीरीज़ को मैक्सिमम छोड़ करके डेफिनेटली सारे आसान सीरीज़ थी बहुत ही। फर्स्ट मुगल एम्परर कौन था? तो वो उसका सही आंसर है बाबर, इज़ द फर्स्ट मुगल एम्परर था। एलसीएम एचसीएफ से दो क्वेश्चन आ रखे थे आपके, एक क्वेश्चन पजल से आ रखा था, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था पजल का। और आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस और अगर मेरे को पता हो तो मैं आपको बताता हूँ जो मेरे पास में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आ रखे थे, और कौन से क्वेश्चन थे, हाँ एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन हो गए। एक हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था उसमें आपको, एसआई मतलब के रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था, एसआई निकालना था। दो क्वेश्चन आपके मतलब के टाइम एंड स्पीड के आ रखे थे, दो क्वेश्चन टाइम एंड स्पीड के आ रखे थे, मतलब के दो पर्सन है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कितना टाइम, या कितना डिस्टेंस सेम थी तो कितना टाइम लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन थे। दो क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो थे वो मतलब के वर्क पे थे, टाइम वर्क पे, टाइम एंड वर्क पे थे। एक क्वेश्चन आपका बोट का था, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दे रखा था, उसका रेशियो दे रखा था, तो आसानी से कर सकते थे। और आपके अगर क्वेश्चन का मैं अगर बात करता हूँ, तो अगर लेवल ऑफ एग्ज़ाम का बात करता हूँ, तो आज का जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो हुआ है उसका लेवल जो था वो मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था। इसमें हार्ड कहने का कुछ भी नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन आ रखे थे, जीके के भी, जनरल अवेयरनेस के भी, जनरल साइंस के भी, रीजनिंग के भी। एप्टीट्यूड के 2-4 क्वेश्चन थे जो कि लेंदी थे, एक दो क्वेश्चन थे जो हार्ड थे, एक दो क्वेश्चन जीके के थोड़े डीप में जा चुके थे। हाँ एक क्वेश्चन है, वो जीके का एक क्वेश्चन आपका आया था कि लोकसभा, या आप इसमें इसका मुझे बताइएगा, मेरे को भी नहीं पता, लोकसभा की मैक्सिमम एसटी की सीटें कहाँ पर है। आप कमेंट बॉक्स के जरिए आप आपस में शेयर कर सकते हैं, लोकसभा की मैक्सिमम सीटें कौन से स्टेट के अंदर, सॉरी लोकसभा की एसटी की यानी शेड्यूल ट्राइब्स की मैक्सिमम सीट्स कौन से स्टेट में है। इसमें ऑप्शन था आपके पास में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो आप बताइए इसमें सही ऑप्शन कौन सा है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो सही ऑप्शन कौन सा आप बताइए मेरे को कमेंट के जरिए। और आपको जिस जो अगर आपको भी अगर कोई क्वेश्चन पता हो इससे अलग, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स के जरिए मुझसे बता सकते हैं, उसका आंसर मैं आपका रिप्लाई करने की जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरीके का और भी बेहतरीन वीडियो आपके पास में सबसे पहले पहुँच सके। जल्दी हम सिविल इंजीनियरिंग की वीडियोज़ आपके सामने लेकर आने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सर।